स्टेबल्स डाल रखी हैं। फर्स्ट लुक में आपको कौन से बड़े लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें बॉल में डिस्ट्रेस का दो। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई फूड क्रिएशन एंड वी आर बैक विद आर न्यू वीडियो। सो गाइज, रिसेंटली मैंने एक पोल अपडेट करा था अपने चैनल पे और उसमें मैंने पूछा था कि भाई कौन सा कंपेरिजन वीडियो करें, तो ज़्यादातर लोगों ने उसमें रिप्लाई किया था कि भाई स्प्रिंग रोल्स करो या कुछ चाइनीज़ करो। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं भाई अल्टीमेट कंपेरिजन ऑफ स्प्रिंग रोल्स। सो गाइज, हम ले गए हैं दो स्प्रिंग रोल्स, एक बिल्कुल सस्ता जो भाई हम सब ने खा रखा है और एक बिल्कुल महंगा भाई जो हमें से मतलब मैंने भी पहली बार ही खाया है। मैंने भी इतने महंगे स्प्रिंग रोल्स कभी नहीं खाए। सो गाइज, आज हम करेंगे अल्टीमेट कंपेरिजन। सो गाइज, ये हैं हमारे 500 रुपये के स्प्रिंग रोल्स, ये मैंने मंगवाए हैं पापाया से। बाकी इसके प्रोनाउंसिएशन जो भी आप लोग देख लेना यार। और गाइज, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसे खुद परचेस करा। बाकी मैं जोमेटो का जो मेरा बिल है मैं उसको वीडियो में अटैच कर दूंगा। और जो हमारे दूसरे स्प्रिंग रोल्स हैं वो हैं गाइज, वो हैं हमारे 50 रुपये के स्प्रिंग रोल्स, बिल्कुल सस्ते, सस्ता सुंदर टिकाऊ मामला यहाँ पे है। और इसके साथ हम देख सकते हो भाई, तीन चटनियाँ मिली हैं हमें 50 रुपये के, मैं इसको लेकर आया। और ये वाले हमारे को 500 रुपये के दे, 420 रुपये इनकी MRP। और बाकी अगर आप ऑर्डर करोगे जोमेटो से तो आपको भाई डिलीवरी चार्जेस, सर्विस टैक्स, डिस्टेंस चार्जेस सब मिला के 550-600 रुपये के पड़ेंगे। सो गाइस, ये है हमारे महंगे वाले 600 रुपये का लगभग स्प्रिंग रोल्स, मैं भी पहली बार खा रहा हूँ। और बाकी देखते हैं कि टेस्ट कैसे है। भाई जो इनका डब्बा है ना, मतलब इतना ज़्यादा हल्का है कि उससे भारी तो इनके ये जो पैकेट है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का है। पता नहीं कुछ अंदर है भी या नहीं है, तो एक बार इन्हें अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। भाई देखने में डब्बा भी इनका बहुत बढ़िया से लग रहा है, तो बाकी एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है। भाई ये अनबॉक्स हो गया हमारा। ओ भाई ये क्या है, सिर्फ एक डब्बा ही है तो 500 रुपये में लूट ली और बाकी खाली है यार। चॉपस्टिक भी नहीं है इसके अंदर, तो नाइफ वाइफ कुछ भी नहीं है, कोई मतलब कटलरी भी नहीं है, क्या ही हिसाब है। बाकी इसको देखते हैं खोल के भाई, इसके अंदर भी कुछ है या नहीं है। और ये देखो, ये 500 रुपये में आपको ये मिल रहा है और ये मिलेगा आपको 50 रुपये में सिर्फ। देखते हैं भाई टेस्ट किसका बेटर है, मेरे ख्याल से तो यही होगा। बाकी अभी देखते हैं टेस्ट करके, इसको भी खोलते हैं यार, इसमें देखते हैं क्या है। ओह, अनबॉक्स नहीं हुआ, ये इतने महंगे अनबॉक्स भी नहीं हो रहे मेरे से। सो गाइस, ये हमारे महंगे वाले स्प्रिंग रोल्स हैं भाई। फर्स्ट लुक चेक करो, सिर्फ एक चटनी मिली आपको इसके साथ, ये जो इनकी अपनी होती है सॉस वो मिली है। बाकी आपको इसके अंदर 5 पीस 500 रुपये मिल रहे हैं। बाकी देखने में तो सही लग रहे हैं, खुशबू इनकी भी बढ़िया आ रही है। बाकी यार पैकिंग और साथ में कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, मेरे को तो बड़ी हैरानी हो रही है देखे कि 500 रुपये के साथ में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये स्प्रिंग रोल और एक चटनी। इनसे बेटर तो यार यही है, कम से कम 3 चटनियाँ मिल रही हैं, हरी वाली मिल रही है आपको, मिर्च वाली मिलेगी, सबसे बड़ी तो मेयोनीज मिलेगी। सो गाइस, एक बार अपने इसको अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं भाई इनका अरोमा कैसा है, इनका टेस्ट कैसा है। गाइस, ये हमारे सस्ते वाले 50 रुपये के स्प्रिंग रोल्स, इनके अंदर चाउमिन की फिलिंग है और इसके अंदर मेरे ख्याल से वेजिटेबल्स डाल रखी हैं। और बाकी आप पनीर है इसके अंदर, सस्ते वाले हैं 50 रुपये के, और इनके अंदर चाउमिन है और इसके अंदर जो है चिली टोफू एंड वेजिटेबल्स डाल रखी हैं। फर्स्ट लुक में आपको कौन से बढ़िया लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को तो 50 वाले बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़े कलरफुल से भी और आँखों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी भाई जो अरोमा है भाई 500 वाले का बहुत जानदार है। बाकी भी टेस्ट करके देखेंगे, फिलहाल थंबनेल की थोड़ी सी फोटोज़ निकालते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, मैंने दोनों की प्लेटिंग कर ली, आप देख सकते हैं ये हमारे महंगे वाले स्प्रिंग रोल्स हैं, ये सस्ते वाले हैं। कौन से अच्छे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो अब टाइम है मेरी फिलिंग चेक करने का कि 500 रुपये में हमें मिल क्या रहा है। सो गाइस, मैं इन दोनों के बार तोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नहीं फिलिंग कैसी है। बाकी भाई ये एकदम ऑयल फ्री है, और इतनी महंगी जगह अगर आप जाओगे तो ना मेन मज़ा इनकी वाइब का होता है कि आप वहाँ जाके जो वाइब इन्जॉय करते हो। क्योंकि इतनी महंगी जगह से ऑर्डर बहुत ही कम लोग करते हैं मेरे जैसे कुछ वीडियो बनाने के लिए। भाई आप देख सकते हो इसके अंदर भाई वेजिटेबल्स डाल रखे हैं, टोफू डाल रखा है, तो टोफू बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आप सबको पता ही है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और बहुत क्रंची क्रिस्पी है ये, ऐसे देखो। और एक बार मैं आपको इसके चाउमिन वाले जैसे फिलिंग दिख रही है, मैं इसको एक बार आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो इसके अंदर चाउमिन डाल रखे हैं, 50 रुपये में, क्वांटिटी भी अच्छी है। और बाकी मैं एक बार थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ, और ये भी बहुत क्रंची है, क्रंच की आवाज़ आपको आ रही होगी वीडियो में। मैं चाउमिन की क्वांटिटी देख रहे हो, भर भर के डाल रखी है। और मेरे को तो दोनों ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बाकी अब टेस्ट डिसाइड करेगा कि अल्टीमेट विनर है कौन। तो अब भाई टेस्टिंग पे आते सीधा, तो मैं इस वाले स्प्रिंग रोल को पहले ट्राई करता हूँ। और इसके साथ हमें 3 चटनियाँ मिली हैं जो किसी बेसिक शॉप पर आपको मिलेंगी। ये हमारी रेड वाली चिली सॉस है, ये हमारी मिर्च सॉस, और ये हमारी मेयोनीज। तो हम पहले मिर्ची वाली चटनी से ट्राई करते हैं इसको। भाई टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जो मेन दाना बोलेंगे चटनी का है, क्योंकि चटनी हल्की सी स्पाइसी है और इसके जो टेस्ट है वो अल्टीमेट लेवल हो गया। 700 रुपये में बहुत सही, किसी भी दोस्तों के साथ खान जाओगे भाई अलग इन्जॉय करोगे, मज़ा सा आ जाएगा आपको।
भैया टेस्ट बहुत बढ़िया मोमोज है हमारे घर के पास, तो वहाँ से लिए थे मैंने, 50 रुपये इनका प्राइस है। बाकी अब ट्राई करते हैं अपने 500 वाले मोमोज की इसमें क्या, और साथ में हम इन्होंने स्वीट थाई चिली हमें सॉस दिया, तो मैंने ये अपने तोड़ रखा था, तो एक बार हम इसी को अंदर डिप करके ट्राई करके देखते हैं एक बार। ओहो बहुत मेरा टेस्ट है इसका, तो ये सॉस जो है ना इन्होंने इसका दिया स्वीट चाय चिली, अब बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, बहुत ज़्यादा मीठी है यार। स्प्रिंग रोल के साथ मीठी चटनी कौन खाता है यार, मुझे मतलब भाई कौन ही खाता है ये सब। ठीक है तुमने टोफू डाल रखा है इसके अंदर विच इज़ हेल्दी, आई एग्री, बट यार मीठी चटनी कौन खाता है स्प्रिंग रोल के साथ। तो मैं एक बार इस वाले स्प्रिंग रोल को इस वाली चटनी के साथ ट्राई करता हूँ, फिर देखता हूँ टेस्ट आता कैसा है। भाई अब आया ना मज़ा गैर स्प्रिंग रोल्स का, जो मेन मज़ा तो उनकी चटनी का ही होता है, अगर चटनी बड़ी नहीं है तो भाई आपको कितने अच्छे स्प्रिंग रोल्स मिल जाए भाई मज़ा नहीं आने वाला। टेस्ट दोनों का अच्छा है, और अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मेरे को भाई 50 वाले अपने सस्ते वाले स्प्रिंग रोल्स से बहुत ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि भाई 10 गुना महंगे हैं इससे, 500 रुपये इनका प्राइस है, तो यार इतना महंगा मतलब हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे भाई, पहली बार ही खा रहा हूँ। बाकी टेस्ट मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, बट एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, एकदम ऑयल फ्री है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है भाई, मतलब मज़ा ही आ गया, ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। बाकी जो इनके अंदर आपको पता है भाई कैसे बनते हैं सब, ने आप इसकी मेकिंग दे रखी होगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। सो भाई मेरे हिसाब से जो विनर है भाई 50 वाले ही हैं, क्योंकि यार जो प्राइस वाइज रेशियो है वो भी बहुत बढ़िया है, इनका क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, और एक बार इनकी बाकी तीनों चटनियाँ मैं ट्राई करके देखता हूँ, और यार मज़ा ही आ गया सुखाने में, 50 रुपये एकदम वर्थ हैं। 500 वाले यार बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को महंगे भी लगे, और थोड़े से टेस्ट भी कुछ पसंद सा नहीं आया। बहुत ज़्यादा लाजवाब, लजीज, क्रंची, क्रिस्पी। मतलब भाई ये कि ये थोड़े से हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें टोफू वेजिटेबल्स हैं, तो अगर आप इसको खाओगे तो हेल्दी है। मतलब 500 रुपये में दाल वाल ले आओ घर से, दाल वाल मंगवा लेना, ज़्यादा हेल्दी चीज़ें बन जाएंगी। तो और गाइस अगर आपको कोई सजेशन आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हो, और अगला चीप वर्सेस एक्सपेंसिव कौन सा करना है वो भी कमेंट करके बता देना। और बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई मतलब फूड ईटिंग चैलेंज करो या कोई चैलेंज करो जैसे प्राइस मनी वाला, तो भाई वो मेरे बस की नहीं है, इतना खाना मैं नहीं खा सकता, और भाई इतना वेस्टेज भी नहीं कर सकता मैं। भाई सबको बताओ वीडियोस कैसे बनती हैं, बोल लाइन मैं भी चाह रहा, मैं भी उसी लाइन में हूँ, क्योंकि बाकी आप लोग भी समझदार हो यार। चलो यार अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।